इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां मामूली झगड़े के दौरान बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली और मां बेटे को धमकाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है। वायरल सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर तेजी से दो लड़के एक गली से निकल रहे हैं। इस दौरान उनकी बाइक घर के बाहर खड़ी एक कार से टकरा जाती है। कार मालिक अभिषेक कश्यप अपनी मां के साथ घर से बाहर आता है और बदमाशों से इसका विरोध करना शुरू कर देता है। इस कहासुनी के दौरान बदमाश पिस्तौल निकाल लेते हैं और मां बेटी को धमकाने लगते हैं। कार मालिक अभिषेक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन बदमाश पिस्तौल लेकर घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान अभिषेक की माँ बदमाशों का डटकर सामना करती है और उन्हें घर में घुसने नहीं देती है। बता दें, हाल ही में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में ही रोड रेस की घटना में बाइक सवार बदमाशों ने अमेजोन के सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी के जरिए उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।